आज हम जेजे लॉन्च में इतनी गर्मी में एक डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं हॉट गर्ल डीजे डॉली सिन्हा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वॉइस ऑफ एशियन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मुंबई की डीजे डॉली सिन्हा से। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। वेलकम मैम लुधियाना में। थैंक यू सो मच। तो आप लुधियाना में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव दिस सिटी, मुझे बहुत प्यार है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन की सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू पंजाब, यू आर रॉक। और आपको इस लाइन में कितनी देर हो गई है? मुझे 2 इयर्स हो गए। ओके। तो जैसे कि देखते हैं कि डीजे की लाइन में काफ़ी लड़के होते हैं, और आपको इस लाइन में कैसा लगा? मुझे इस लाइन में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक्चुअली में मुझे डांस करने का शौक है, थोड़ा सा मैं हिप हॉप टाइप की भी हूँ, तो मुझे लगा यार लाइक ट्राई, तो मैंने डीजे बनने का बस खाब कर लिया और मैंने वही बन ली। लड़की वजह की होने से इस लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, मुझे कभी भी नहीं मुझे प्रॉब्लम आया, ना कभी किसी ने ऐसे वे बात किया मुझे कभी भी। मैं बहुत कंफर्ट, बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे सब लोग सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप मैम अब तक कितने शोज कर चुके हो? ओके, दिस ईयर तो मैंने अभी कम्प्लीट 60 किया है। एंड 60। और कौन कौन से स्टेट और सिटी में कर चुके हो आप? मैंने बॉम्बे में तो खैर बहुत बजाई है, आई प्लेड लॉट्स। वैसे अगर अदर सिटीज़ किया जाए तो मैंने गुजरात, पुणे, हैदराबाद, दिस पंजाब एंड दिल्ली, और अभी नेक्स्ट मेरा 31 को चंडीगढ़ है। सो प्लीज़ चंडीगढ़ सी। तो इन फ्यूचर आप मॉडलिंग वगैरह या फिल्मों में ट्राई करेंगे? देखो, मुझे मूवीज़ पे तो नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं है। हाँ, मुझे एल्बम में इंटरेस्ट है, पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी आने वाली हूँ। और हाँ, मैं अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रही हूँ गाने का, एंड मैं कुछ रैप भी करना चाहती हूँ, कुछ नया लाना चाहती हूँ लोगों के लिए, कि लाइक गर्ल्स के बारे में, बॉयज़ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो इस पर मेरा टॉपिक है अभी, मुझे रैप करना है। सो आई एम वेरी फोकस ऑन दिस। तो इसी के बारे में आप जैसे कह रहे हो कि मुझे रैप करना है, तो रैप की कुछ लाइनें क्या बोलती है? इंडिया की पब्लिक डीजे डॉली नचाएगी, और जो नहीं नाचेगा उसको भी नचाएगी। सो गाइस, आगे और बताएंगे आप। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग तो अभी तो मुझे प्रोडक्शन करना है सॉन्ग का। मैं सॉन्ग का गाना नहीं बता सकती आपको, क्योंकि आपको पता है ये देखने वाले बहुत डीजे हैं, वो फॉलो कर लेंगे। तो अभी मैं प्रोडक्शन करने वाली हूँ म्यूजिक का, और उसके बाद एल्बम भी करूँगी। सो पंजाबी इंडस्ट्री, एवरीवन लव मी एंड सपोर्ट भी है उनका बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच देम, क्यों मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो आपका कोई फेवरेट सिंगर? मेरे फेवरेट सिंगर बी प्राक जी हैं, एंड जस्सी गिल भी हैं, बहुत अच्छे सभी हैं, ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं। अगर आपको जस्सी गिल के साथ सॉन्ग करने का मौका मिले तो? यस, सॉन्ग मतलब एज अ मॉडल बोलो ना। यस, ऑफकोर्स करूँगी, क्यों नहीं, वाई नॉट। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? खामोश, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम है डॉली सिन्हा, मैं सिन्हा फैमिली से हूँ। एंड आई एम थैंक सो मच कि मैं बिहार से हूँ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई थैंक सो मच टू बिहारी ऑल कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। सो कहते हैं ना, एक बिहारी सौ पे भारी, तो करेंगे डीजे डॉली के साथ रॉकिंग। थैंक यू। आज मैम आप लुधियाना में आए हो, तो लुधियाना के यूथ के लिए खास मैसेज? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लुधियाना की लड़के लड़कियाँ, यहाँ पे सारे आंटीज अंकल, दे आर वेरी सपोर्टिव। तो मैं उनका नेचर मुझे बहुत कूल लगता है, और ऐसे ही रहो, अगर ऐसे ही मतलब लाइक ऑल सिटीज में नेचर के फ्रेंड्स होंगे तो बहुत अच्छा है। दे आर वेरी सपोर्टिव टू पर्सन, एंड पंजाब के लाइक पीपल इज वेरी गुड।
एंड थैंक यू सो मच मिस्टर हैरी तेजी जी कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये शो दिलाया क्योंकि उसको लगता है कि शी इज डिजर्व एंड थैंक यू टू जे जे लॉन्च. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਰੀ ਤੇਜੀ ਹੈ. ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੇ ਡੋਲੀ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁੰਬਈ ਸੇ. ਤੋ ਯੂਥ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ. ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਡੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤੋ ਆਪ ਕਰੇਂਗੇ? ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਵਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सबसे पहले तो मैं जे जे लॉन्च वालों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. और आपके दिमाग में अचानक ये डी जे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कहाँ से आया? एक्चुअली डी जे डोली मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैं हाँ डी जे डोली मैं उनको बुलाता हूँ मुंबई से. थैंक यू सो मच. तो फिर मैंने इनको कॉल किया फिर इन्हें यहाँ बुलाया एंड स्पेशल थैंक्स टू हर दैट ये आए. ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇਵੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸੋ ਗਰਮੀ ਸੇ ਰਾਹਤ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਡੀਜੇ ਡੋਲੀ ਕੋ ਔਰ ਹੌਟ ਡੀਜੇ ਡੋਲੀ ਕੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ. ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਮਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਡੀਜੇ ਡੋਲੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਵਾਹ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਕਾਲਡ ਹਰ. ਓਕੇ.